आप लोग पीछे घुस सकते साथ ही पीछे सटी पीछे सटी नहीं है सर आप सीनियर नर्स कौन है आप में से जो अभी जो इंचार्ज है रात में आप बताइए ना मैडम हाँ बताइए आगे आके बताइए प्रावधान है प्रावधान है डॉक्टर रात में कोई नहीं आता है
डॉक्टर सिस्टर अभी कोई देखता हो ना तो कंट्रोल करता होगा सुपर चंद है सीनियर डॉक्टर है कोई डॉक्टर सीनियर रेगुलर डॉक्टर कौन है कोई नहीं सब सीनियर पीजी वाले हैं आपके क्या नाम आप लगाए रखिए उसको लगाए रखिए कितने आप कहाँ के क्या बोल रहे हैं अभी है ठीक है आराम कीजिए हम सब देखेंगे कोई डॉक्टर नहीं है जूनियर नहीं आते जूनियर पीजी वाले डॉक्टर हैं जूनियर आते हैं कोई सीनियर नहीं है सर हम पाँच सौ चार नहीं आ रहे हैं सब जूनियर लेके भी जा रहे हैं कौन है सुप्रिंटेंडेंट यहाँ डॉक्टर काम हो गया ना कौन है आप एक अच्छा जाइए जवाब भी नहीं मिलता पूरा नहीं मिलता दवा वाला लिखता है इस वक्त का है हम जा रहे हैं दवा नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डॉक्टर अपने पैसा के लिए से सर्जन जी सारा फोटो लीजिए ले लेना फोटो लो सारा फोटो ही लो मास्क लगाइए यहाँ गंदगी भरी है मास्क लगाइए यही में हो जाएगा बिल्डिंग का भी लीजिए सारा बाहर से हम दवा लिए पैसा लगा के बताइए तो दवा नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट तो दावे नहीं है इसका तो कोई ना आएगा ये तो नहीं पूछा दवा नहीं मिल रहा बाहर से मेरा पैसा लगा के नहीं मतलब गरीब आदमी है पूरे बिहार राज्य का सभी सी एच का सभी मेडिकल हॉस्पिटल का प्रिंसिपल का बैठक हम बुलाएं तो आप लोग को लेना हमको करना हम उसी लिए हम पहले आके देखने की कंडीशन आप चिंता मत कीजिए गंदगी ज़्यादा है तो उसके लिए ड्राइवर वाला आपके चलिए तो क्या है क्या हुआ जी जी इधर भी है ये सारा वार्ड है ठाकुर साहब हम आए हुए पीएमसीएच कौन सा वार्ड है टाटा वार्ड में कौन देखता है खाली जूनियर डॉक्टर रहते हैं या सीनियर डॉक्टर का भी बहाली आप होती है कोई नहीं है यहाँ केवल पीजी के अलावा हम यहाँ आए हुए आप कहाँ आइए तो
आई आई वही बात है, देख क्या तकलीफ है बच्ची को, दवा आप लोग से नहीं है, बाहर से आता है अंदर से आता है, आप लोग यहाँ लिस्ट वाला दवा सारा मिलता है या बाहर से भी कुछ मिलता है, लिस्ट वाला है ना जल्दी में ये वाला ये मरीज का स्थिति है जाने लायक, यहाँ खड़े होने लायक स्थिति नहीं है, सफाई वाला क्या आउटसोर्स किया हुआ है, आउटसोर्स में है एजेंसी को भी आ गया है कि स्थाई है, एजेंसी को दिया हुआ है साफ साफ का जैसे कोई तुरंत काम करना पड़ता है ना, अब ए एन एम में है, अच्छी बात है, रूम नहीं है अच्छे से, देखिए ना सर वहाँ पे खिचके खिचे छोटा सा है, बाथरूम में तो मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल है सर रात करना, रात पर लोग पेशेंट आप अटेंडेंट तो बाहर ही जाता होगा, अब पेशेंट को भी यहाँ नॉर्मल पेशेंट कितना देर तक रुकता है, 24 घंटा कम से कम, कम से कम अगर सीरियस है तो ज्यादा 3-4 दिन, उसके बाद कहाँ शिफ्ट करते हैं वार्ड में, वार्ड मतलब ये रहा वो गुजरी वार्ड हथुआ वार्ड NSPW कंट्रोल रूम, सेमी कंट्रोल रूम, वार्ड का लिख लीजिए आपके, आपका ड्यूटी कितने बजे से है, मेरा सर 8 बजे, 8 से सुबह 8 से 7 बजे, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फॉलो बैक नहीं है, डेड बॉडी पड़ा हुआ सर इन्फॉर्म कर दिया गया, वो हमारे लिए सारा एजेंसी को दिया हुआ उसको सफाई का, कौन एजेंसी है नाम लिख के दीजिए, कोई कौन सा एजेंसी है, ब्लैक हिस्ट्री की खत्म कर दी इसमें, कौन है यहाँ तो कंट्रोल रूम किस बात का, अब क्या क्या कंट्रोल करते हैं यहाँ से, डेड बॉडी पड़ा है वो भी आपको नहीं पता है, कौन एजेंसी ले रही एजेंसी वो आपको नहीं पता है, रोस्टर है वो आपको नहीं पता है, तो आपको क्या पता किसी से कंट्रोल करता है, आप कंट्रोल रूम में नर्स क्यों रखा जाता है भाई, खाली एक आप नर्स हैं क्या काम है आपको, कंट्रोल रूम में डाल दिया, वैसे एक मिनट क्लियर हो लीजिए, कंट्रोल रूम में ड्यूटी किसका होना चाहिए, नर्स का होना चाहिए बताओ, नहीं होना चाहिए ना, कौन होना चाहिए कंट्रोल रूम में, हेल्थ मैनेजर कहाँ है, नहीं आज हेल्थ मैनेजर कौन है, एक मिनट बात कर रहे हैं, संजय रात में मतलब भगवान भरोसे, मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे कंट्रोल देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का,
ड्यूटी में है क्या सुपरवाइजर है प्रावधान है आप लोग बस 48 मैक्सिमम पेशेंट कह रहा है कि बाहर से लेके आता है जो आता है सर वो देते हैं नहीं रहता उसका क्या क्या होना चाहिए आप लोगों क्या क्या कौन कौन सा दवा बोला गया एक मुझे टीम कैसे आप लोग कैसे हैं यहाँ के स्टाफ हैं या आउटसोर्स ये फार्मासिस्ट हम लोग हैं ऐसे यहाँ पे कोई कम नहीं बाहर जाते हैं आप लोग किसका ड्यूटी करते हैं कितने फार्मासिस्ट हैं आप लोग यहाँ एक से दो आते हैं एक से सरकारी यस सर क्या क्या दवा होना चाहिए दवा का लिस्ट है कौन सा कोटी 200 तरह का दवा 300 तरह का दवा 600 तरह का दवा कितना होना चाहिए आप फार्मासिस्ट है तो आपको पता होना चाहिए ना सरकार ने कौन कौन से दवाएं जो है लिस्टेड की है सूची है आपके पास सूची तो मॉर्निंग में हाँ इंचार्ज तो मॉर्निंग में पास सूची है अरे रात में भी तो दवा चाहिए होती होगी दवाई तो है तो सूची हो कहाँ है सूची दीजिए ना सूची यही दवाई हो सूची कहाँ है जो मैंडेटरी है जो कितना प्रकार की दवा है यहाँ आपका नाम लिखिए 48 सर आपका नाम बताओ दो लोगों का नाम लेते हैं अधिकांश डॉक्टर अधिकांश लोग तो बोल रहे हैं कि दवा का यहाँ पे बहुत दिक्कत है बाहर से खरीदना पड़ रहा है कोई लिस्ट नहीं फार्मासिस्ट है लिस्ट होना चाहिए इसलिए हम कल से आप कितने दिन से हैं 15 दिन नहीं है इसके पास रजिस्ट्रेशन वाला अभी बाइक से आ रहा है और दूसरा जो है आपका एक हेल्थ मैनेजर का है रात को कभी नहीं रहा कोई पोस्ट आपको हमारे पास जो हेल्थ मैनेजर है तो दर्द क्या देखेगा इसमें कंट्रोल में गलत बात होना चाहिए नहीं रहना चाहिए कल आप लोग का मीटिंग है ना इनके पास ड्रग्स की लिस्ट नहीं है कि कौन कौन सा ड्रग्स होना चाहिए आप जनता को बताओगे ना ये दवा है हमारे पास तो जनता को आप दिखाते हैं सूची लगी हुई है नहीं लगी कितना दवा है कितना प्रकार का दवा बताओ तुम्हारे पास कितना दवा हम लोग 200 तो कुछ था 600 हम बढ़वाए अभी पाउडर में ठीक दे रहे हैं अब कैसे प्रशासन से दवा हमको जो मिल रहा है वही सारा रिकॉर्ड कर लीजिए कल बैठक में सारी बातें होंगी मैक्सिमम पेशेंट्स का कहना है कि खाली सिरिंज और जो पानी है चार तरह पांच तरह का दवा मिल सब हमको बाहर से लाना पड़ता है मतलब मैक्सिमम एंटीबॉडीज आपका है आप पेशेंट के साथ घूम लीजिए अभी दोबारा राउंड पे यही आउटसोर्स सफाई का कौन आप देख सकते हैं किस तरीके से मारामारी है पेशेंट जो है अपना दर्द बता रहे हैं देखो पास में मान लीजिए अगर पेशेंट का तो आपका डस्टबिन कहाँ है या इलाज करके मलम पट्टी लगाता है भाई आपको बार बार मना कर रहे हैं जाके मत आइए कौन है तुम
अभी आप लोग का पढ़ा कि नहीं 20,000 हुआ कि नहीं? एंट्रेंस वाले ये लोग कौन है? ये लोग ये तो फिजिकल वाले एंट्रेंस वाले हैं नहीं इन लोगों को भी हालत जितना के स्टाफ भी है तो आप एक बार वॉशरूम चले चलिए आप करके आइए बगल हुई है ना बगल हुई देखिए बाथरूम का हालत तो बहुत बदबू आ रहा है कितनी गंदगी है हाथ में कुछ नहीं रहता ये जितना करेगा ना सब कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है इसे तो सुधार बनाने के लिए हम तो पाते हैं कितने सिविल सर्जन है या मेडिकल कॉलेज के जितने भी
लोग हैं उन सभी बड़े अधिकारी हेल्थ से रिलेटेड चाहे कितने कॉर्पोरेशन सब लोगों को बुलाया गया और इस बात को रिव्यू में हम सीएम तक बात को ले जाएंगे। जो चीज़ें जो हालात है इसको हम लोगों को सुधारना है। हम लोग चैम्बर में बैठ करके सारी सुविधाएं देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है जीरो है। जो भी लापरवाही कर रहा है इस पर कार्रवाई होगी या जिसकी भी कॉकस है उसको तो हम लोग तोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, जनता को राहत मिलनी चाहिए। पूरा राइट है बिहार के लोगों को इलाज के, मतलब हम और आप इलाज कराएंगे तो प्राइवेट तो कराएंगे लेकिन जो हमारे गांव से गरीब जो यहाँ आते हैं वो कुत्ता नाच रहा है, डेड बॉडी है, बिल्डिंग के हालात देखिए ऐसे नहीं होगा। सब लोगों का ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, हम लोगों का प्रयास है। अब आप ये हम लोग तो सब चीज़ देख रहे हैं, ट्यूजडे नाइट ना, ट्यूजडे नाइट सौरभ कुमार से कहाँ है तो आप देखिए कि सौरभ कुमार सिंह का है अटेंडेंस जो है बनाना है, सौरभ कुमार नहीं पहुंचे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खुद डॉक्टर गायब हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर के जो है वो डॉक्टर के जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर गायब हैं, ये तस्वीर सामने आ रही है। अब खुद जो है PMCH में जो है डिप्टी CM आया, डिप्टी CM का गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर देखिए रात में भी एक डॉक्टर थे और ये तस्वीर जो है व्हाट्सएप पे लीजिए एक सवाल आपसे करूँ। नहीं नहीं कल किनका ड्यूटी था देखो इसको मंडे नाइट किसका ड्यूटी है ऊपर बस पहला नाम डॉक्टर गायब है डॉक्टर का साइन 28 अप्रैल का दिखा रहे हैं अच्छा चलते रहते वही कंटिन्यू है हर महीने निकलता कि एक खाली उसी दिन कल दिन तक था और बाकी एक जूनियर इंटर्न नहीं था और ये चार चार महीने का क्या है मतलब रात में कोई नहीं था ये मैनुअली चलता अगर 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 मैनुअली भी अगर हम करते हैं तीन को भी कोई नहीं आपको क्या लगा देखे थे अस्पताल लोग इलाज करा रहे आते हैं या बीमार होने के हर जिले से केवल रेफर कर दिया जाता पटना इन पे भार है तो हकीकत है तो हमारी कोशिश है लेकिन फिर भी अगर हम लोड दे रहे हैं तो हालात तो अच्छे होने चाहिए कम से कम हाइजीन की व्यवस्था होनी चाहिए। पेशेंट को अगर शौचालय जाना हो तो बाहर जाना पड़ता है कोरोना काल अगर अस्पताल की ऐसी स्थिति बनेगी तो माफ कीजिए इस चीज़ को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। हमें जिम्मेवारी मिली है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बखूबी ढंग से ईमानदारी ढंग से इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कार्रवाई भी करेंगे और कल इसलिए तो हमने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है पूरे स्वास्थ्य विभाग के सुपरिटेंडेंट जितने आपके मेडिकल कॉलेज के लोग हैं सब लोगों को बुलाया गया है। कहीं भी अब लापरवाही पाएंगे दाएं बाएं किसी का भी पैर भी अब चलने वाला नहीं। हम लोग नए सोच के ये लोगों को पता होनी चाहिए कि एब्सेंट है तो वो जवाब देंगे उनसे कार्रवाई होगी
लेकिन आइंदा से अगर ऐसा काम नहीं होना चाहिए, कोई सीधे डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए, ये इमरजेंसी वार्ड है और खासतौर पर गरीब यहाँ आते हैं, गरीबों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, चाहिए पूरे वार्ड में रात में कितना अंडर से अभी कौन है मैडम क्या यहाँ बैठती है अरे कहाँ है नहीं नहीं बोल रही है तू नहीं बैठती है ऐसा बैठती है मतलब वो अरे सुनिए ना पता नहीं कहाँ है मैडम क्या नाम है मैडम का नाम लिखिए सच बोलिए आज नहीं बैठने का प्रावधान है बैठन तो क्या कर दी कब आते उनका रोल क्या फिर आप कैसे जाते हैं 3 महीने में क्या लगाया था पेट्रोल वाली मैडम का क्या ड्यूटी है ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करना अटेंडेंस देखना रात का दिखाई अटेंडेंस और कितना आप कितना नर्स है यहाँ इस वार्ड में तो कभी बात सुनिएगा ना सर बात नहीं है जो पेशेंट है काउंटर आप चाहिए बाहर जाइए आप लोग देखिए नहीं मिल रहा है कितने डॉक्टर मेडिकल कितने हैं 2 3 4 5 6 क्या है क्यों नहीं आ रहे इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग को नहीं किसको देता है मेट्रो से अब तक काम बनाते हैं मेट्रो वाले नाम लिए ना थोड़ा सा चलिए क्या नाम है मेरे भाई का कितना होना चाहिए 4 से 6 हमेशा इसमें सब ये लोग कौन है मुकेश चंद्रा राजेश ये लोग कहाँ से अटेंडेंस है ना 2 लोग इसमें नहीं है अच्छा क्योंकि इन रेडिस कौन रेडियो कौन क्या है रेडियो ये इतने दिन से रेडियम नहीं है ये और ये में अंतर क्यों नाम दूसरा काम दूसरा ज्यादा दो लोग स्किन का वार्ड ये वार्ड तो सब में अलग अलग है क्या तो आप जो हमको वो दिखा रही है क्या दिखा रही है सर हम दिखा रहे हैं ना ये इधर पीछे लग जाता सर ये तो लीवर हम लोग रखते हैं अपने हैंड में अचानक कोई सी इमरजेंसी तो उसको अरे भाई ये रख पड़ी है ना यहां क्या चीज है मेडिकल रिलीवर क्या है मेडिसिन है सर हम लोग अरे बात मत बोलो मेडिकल रिलीवर क्या है सर लीवर रहता है किसी तरह का शॉर्टेज रहता है वहां से जो है लीवर का हम भी देख रहे हैं नर्स का लाइन आप लोग खुद अपने अटेंडेंस को नहीं जानती हैं। कहाँ है नर्स इधर आओ तुम आप इधर आइए आप इधर आप कहाँ साइन करती हैं आज की है साइन कहाँ पे करके दिखाओ पेज नंबर 12 तो आप हमको पीछे का पेज क्यों दिखा रही कहाँ सीनियर आप तो एक कैटेगरी की है ना अरे देखिए बेवकूफ कौन कर रहा है नहीं नहीं आप सच बोलिए कोई डॉक्टर से डरने का नहीं है हाँ नहीं नहीं पेज नंबर 12 क्या नाम है तुम्हारा थोड़ा हम देख
14 पे ये पूनम कुमार ये आपका है और यहाँ कौन 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 सी कितने नर्स हैं? 8 है ये टाटा ग्राउंड फ्लोर का है ना आते हैं तो पहले क्या करते हैं रेगुलर आप आते हैं तो पहले आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब कौन बिजनेस देखता अपना वहाँ वाला कल बुला लीजिएगा मेरा अपना रोस्टर का है आप रोस्टर है आपके पास दिखाइए बर्फी हमको नहीं आपको लिखित पे चाहिए हम पक्का रूप से नहीं जाएंगे लिखता रूप से जाएंगे Whenever you go, even the school student when they reach school, first thing happens in the classroom, they give their attendance. Where's the attendance? If you were here, when? नाम भी अभी लिखा है वो नाम पर लिखा है राइटिंग मिला वो अभी से उन्होंने लिखा है ये लिखा आओ लिखो अभी लिखते हैं ये सेम चीज एक सादा पेपर फाड़ो सर मेरा अभी लिखे हाँ सर मेरा इन्होंने लिखा है साइन हु गेव यू राइट टू साइन नहीं कौन आपको अथॉरिटी दिया इनके बदले लिखने का कौन आपको अथॉरिटी दिया इनके बिहाफ लिखने का विदाउट साइन एंड व्हाई डिड यू मेंशन द टाइम इट इज योर ड्यूटी मैं टाइम वही बोल रहा हूँ योर ड्यूटी आप बताइए डॉक्टर साहब आपको लिखना नहीं आता है अरे मास्क उतारो मास्क आपको लिखना आता है नहीं आता कहाँ से पढ़े यू आर सीनियर डॉक्टर राइट सीनियर कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको पीएमसीएच में ये तो खुद एडमिट करा दैट इज हीज राइट नहीं नहीं अभी आप वंस यू एंटर यू सेड टू मी कि भैया हम जो हैं क्या पहले आए थे खाने गए थे अरे आप खाने गई है कुछ नहीं गई नाइटी में लोग खा के आते हैं या खाने आके फिर खाने जाते हैं नहीं नहीं आप बताइए खा के आना चाहिए 10 बजे आए हैं तो मतलब आपका डिनर टाइम आपको वेन यू नो योर ड्यूटी स्टार्ट्स एट 10 You'll reach at 10 and then you'll go to eat. And then you'll come back after 3 hours. हमको कल सुपरिटेंडेंट साहब सारा रिपोर्ट चाहिए सारा ड्रग का चाहिए हमको जितना आउटसोर्स का चाहिए जितने नर्स जितने ए ग्रेड वो चाहे आपका सारे ए ग्रेड है आपका क्या ए ग्रेड है पक्का हम प्रोफाइल सारा चेक करेंगे जितना आज ड्यूटी में यहाँ जो लोग थे उन लोगों का ठीक है ना और रजिस्टर आपको हम लोग ऑर्डर देंगे कि आप सारे एक बार रिव्यू कीजिए ठीक है ना
अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स. ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता. हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं. कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करते हैं? कंट्रोल रूम वाला कहा है? पीसी. आप रिपोर्ट किए किसका डेड बॉडी है? क्या पता चला आपको डेड बॉडी के बारे में? टीओपी कहा है? बेंदर जी. आपको कितने घंटे पहले बताएंगे डेड बॉडी के बारे में? अभी बताया ना, 9 बजे तुम बोले कहाँ गया दूसरा? रिसीव कराया दिखा. आप किसके कंट्रोल में आते हैं? एसपी साहब के. इनका नाम लिखा. डेड बॉडी यही पड़ा रहे कहाँ है? कितने देर में आपका है टारगेट उठाने का? आप क्या कर रहे थे जब कंप्लेंट किया था? आप दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है. आप कह रहे आपको अभी बताया गया, ये कह रहे कि 9 बजे बताया गया. आपका सेट है? आप कोई भी रहता है सर, हमारे यहाँ से जो फोर्थ क्लास होता है वो जाता है रिसीव करा देता है. कहाँ रिसीव? ये किसका साइन है? प्योरली सर, वहाँ से होता है ना. कौन था, कितने बजे हुआ, टाइम दिया है? पीओडी तो यही है ना, टाइम सोलर नहीं दिया है सर. नाइट ड्यूटी कितने बजे तक होता है आपका? पीओडी आप क्या, आप 24 घंटा सोते ही नहीं है? आपके अलावा भी ऑल्टरनेट होता हुआ? 9 बजे कौन था, कितने बजे? टाइम यहाँ मेंशन है? क्यों टाइम मेंशन नहीं होता? नहीं, अरे आप डेड बॉडी दे रहे हैं, आप टाइम मेंशन क्यों नहीं करते? कल को किसका हो नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो आपको रिकॉर्ड में तो रखना चाहिए. पहले का दिखाओ कि टाइम मेंशन है, पहले का दिखाइए. कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है? हाँ नहीं सर. सुबह का दिखो, सुबह का कोई पीओडी का दिखाओ. मेंशन ही नहीं होता टाइम को, तुम सुबह शाम कैसे देखो? कल को कुछ होगा इंक्वायरी में, पुलिस इंक्वायरी में, तो टाइम इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कैसे ही लोग मॉनिटर करते हैं? टाइम तो होना चाहिए. क्या नॉर्म्स है इसका? डिजिटल रिकॉर्ड्स कुछ भी और सर, पीओडी में टाइम लिखना अनिवार्य है कि नहीं है? क्या है, क्यों नहीं टाइम है? आप लोग क्या करते हो यार, तुम पीओडी के बने हो? आप किए हैं कभी? कब किए हैं आपने साइन? दिखाओ. रिसीट कौन करता है? आप रजिस्टर देखते होंगे ना, तो आप टाइम मेंशन नहीं करवाते हैं? आपका पीओडी का कहाँ है रिकॉर्ड? यही है ना पकड़ में. एसपी साहब रिटर्न में भेजिए, टाइम क्यों नहीं मेंशन है उनसे पूछिए सवाल, उन सवाल पूछिए. जूनियर डॉक्टर एक आराम 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 से सब बोलता है करके करके बोलिए एक एक. अरे भाई तो बोलिए डॉक्टर जलाल बैठा रखे.
सर यहाँ तो पूरे सिस्टम खराब है, ऊपर से नीचे तक सर। आप बिहार के भविष्य सुनिए सुनिए सर, जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं आप लेकिन काम तो इन्हीं लोग को करना है अभी। हाँ, अभी डॉक्टर नर्स इन्हीं लोग से काम लेना है। जी, जी, जो गलती किया इसका तो हम तो सामने हम देख साफ सफाई का देखिए, अभी साफ सफाई शुरू हुआ है, समझ गए। जी जी, सारा प्रॉब्लम है हम आप ही लोग एकदम सर आप ही के विश्वास से। एक कुमार डॉक्टर है सर, ठीक है, एक कुमार डॉक्टर है ही नहीं सर, बताइए। पाँच घंटे दस घंटे हाँ, पहले तो बोला गया रिपोर्ट आपको एक हफ्ते मिलेगा, लेकिन उसका अगर फिल्म चाहिए तो फिल्म मिलेगा चार घंटे बाद में, बताइए। चार घंटे तब तक यहाँ मरीज साफ, तब तक मरीज सर साफ, मेरे पापा का पेट खुला हुआ है। पहले टाइमिंग दीजिए सर, कंप्यूटराइज टाइमिंग दीजिए, 6:57 पर मैं कर रहा हूँ, बोला गया 8 बजे बोलेगा, 8 बजे के यहाँ बोला 10 बजे आओ, 10 बजे अब बोला गया 1 बजे आओ, तब तक सर आप यहाँ पे आए तो मैं आपसे भेंट करने आऊँ। आ रहे हैं घूम के आज कम से कम किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर, जैसे दिक्कत समझ गए। अब आप देखिए पीछे घूमता रहे सर्जरी का वार्ड है सर, इमरजेंसी का सर्जरी का ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक का प्लास्टिक कितना हो रखा है इमरजेंसी का जो मेडिकल यहाँ भी है दोनों को सर हम नर्स डॉक्टर मेडिकल नर्स वहाँ नर्स है तो कितने लोग बैठते हैं? एक मेडिकल ऑफिसर मैनेज दैट वॉट फ्रॉम रहेगा तो हम लोग मदद कर देते हैं सर, वहाँ पे कंट्रोल, वहाँ पे जो उनको नहीं समझ में आएगा तभी हम लोग आपका कार आवंटन जो है
सर एक्चुअली जो एल एन टी का काम हो रहा है कार वगैरह का वायर अंदर आ रहा है वो हमेशा सो जाता है तो हमको बनाना पड़ता है इवन आई के रोली सी जस्ट भी एंड ऑन तो यहां है ना ये दिस इज मिस ये आपका पूरा क्या है ये इस है ग्राउंड पे आ जाइए अगर साथ कटेगा तो सब कट जाएगा सर अलग अलग है हम तो शांति है को तो कह रहे हैं हल्ला कीजिएगा और कीजिए उसका हालात कब से है सर एक्चुअली वहाँ हम लोग शिफ्ट कर दिया था सर और आप लोग जाना भी नहीं समझ रहा था थोड़ी सी गड़बड़ी है सर वहाँ आप जहाँ प्रस्ताव में लाए जिनको बुक बनाना है ठीक करना है आप लोगों को भी तो प्रस्ताव बनाना चाहिए ना विभाग को ठीक करना चाहिए क्या हुआ स्कोर इंडिया से लगा नहीं पता क्या हुआ क्या है वही जी डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना हाँ हाँ देखिए सुप्रिंटेंडेंट साहब है देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह की जो है तो आउटडोर में तो 90 तक भी जाता है अभी उसका करा था कॉर्पोरेशन से जिसे सप्लाई हुआ सबसे पहले थोड़ा सा एक नेक्स्ट साल दवा का लिस्ट दीजिए तो आपको कौन कौन सा दवाई मिला है अभी यहाँ पर बाहर से भी दवा और वहाँ का दवा का लोग को बाहर जाना पड़ता है यहाँ के दवा के लोग को दवा से दोनों जगह सर एक ही है तो वहाँ अच्छी अरे भाई उधर जाकर बात करो अभी हम लोग 600 तक पहुंच चुकी है ना इतना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनल है नहीं सोसाइटी में हमारी भी मीटिंग होती है हेल्थ सोसाइटी में उसमें वहाँ की दवा जितना लिस्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब हम प्रोवाइड करते हैं और किडनी पेशेंट को मैच टीम ला रहे हैं हाँ
कौन सा रूम है? दवा भंडार है और इसके बाद और जैसे कोई इमरजेंसी आए जो पेशेंट आएंगे अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का है लेकिन डॉक्टर का है सबसे भी बदला है कौन देखता है अस्पताल का इंचार्ज कौन सुप्रिंटेंडेंट है डीएस डीएस कौन मंजूला राजी कहाँ है मंजूला राजी कहाँ है कहाँ रहती है वो तो मैडम 6 बजे 7 बजे आती है मंजूला कहाँ आती है तो मैडम वो क्या करती आती है डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट आएगा अपना ऑफिस से छह नंबर यही है क्या प्रश्न क्या नाम बताया डिप्टी डायरेक्टर का डिप्टी सुप्रीम मैडम आप डॉक्टर है हम एनम है एनम है पहले तो ओपीडी में से काफी दूर है सब लोग दोस्तों के साथ है ना बेडशीट वगैरह बहुत पुराना है सबसे इसको बदलता भी नहीं दे सकता संडे है ना तो